वेलकम बैक एक बार फिर से खुश आमदीद 7 न्यूज पर PSL पवेलियन में मैं हूँ आयशा मलिक। जी हाँ बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं facebook.com/PSL पवेलियन। जी हाँ, वहां पर आपका फीडबैक रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी अपनी बातों के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं, वहीं से प्ले ऑफ की बात हुई, लेकिन प्ले ऑफ पर जाएंगे जरूर लेकिन थोड़ी ही देर तक। अभी अगर बात करते चले जाएं कल के मैच पर, जी हाँ पिच की सूरत हाल कदर मुख्तलिफ नजर आई और डेफिनेटली जितने भी मैचेस हुए उनमें कल की पिच काफी ज्यादा कह लें एक डिफरेंट हमें देखने को मिली। सो आप क्या कहते हैं पिच का मुख्तलिफ होना और मैच का? डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट तो क्रिस गेल ही रहे, लेकिन पिच का कितना ज्यादा अमल दखल रहा कल के मैच में? देखिए, कल जो हम शुरू से एक शोर डाल रहे थे कि इतनी ज्यादा ब्रेक नहीं होनी चाहिए पिच पे, इतनी ज्यादा ब्रेक के साथ आप T20 का मैच कैसे खेल सकते हो, तो कल की पिच देखा गया कि कल इतनी ज्यादा ब्रेक नहीं हो रही थी। जो जिस स्पिनर ने अच्छी लाइन और लेंथ से बॉलिंग की है वही बचा है, जिसने थोड़ा सा भी गलत बॉल डाला है उसको छक्का ही लगा या बाउंड्री लगी है। तो कल की पिच कुछ कदरे बेहतर थी और इसी तरह की पिचेस आने वाले मैचेस में होनी चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा मैच आप एक्सपेक्ट करें कि आने वाले मैचेस में ऐसी ही पिच होगी। मेरे ख्याल शायद इन्होंने रियलाइज किया है कि इस तरह की पिच जिस पे बॉल इतना ब्रेक हो कि ऑफ स्टंप से वो बॉल हो और लेग स्टंप पे छठी विकेट पे जाके वाइड हो जाए, तो इस तरह की पिच नहीं चलेगी। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया है, ये पिच अच्छी थी और इसी तरह की पिचेस आने वाले मैचेस में होनी चाहिए ताकि बड़ा टोटल बने, ज्यादा चौके छक्के लगे, ज्यादा लोग उसको देखें और मजेदार मैचेस हो। जी शाहनवाज, पिच पर क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले मैचेस में वाकई में वो रियलाइज कर चुके हैं कि आने वाले मैचेस में पिचेस की जो सूरत हाल है वो बेहतर होनी चाहिए? ये इनका कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, ठीक है ना। देखें एक चीज है, हम शुरू से एक बात करते थे, एक मैच में अगर इन्होंने जैसे कल के मैच में इन्होंने अच्छा विकेट बनाया, मजेदार मैच हुआ, और ये अगर पूरा मैच होता तो हो सकता था कि जो मतलब अगर बैटिंग थोड़ा मतलब लेट डिले शुरू ना होता, टाइम पे शुरू हो जाती तो एक और अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता था। तो कल की जो विकेट थी वो टोटली डिफरेंट थी बाकी जिस तरह की पिचेस पे मैचेस हुए थे, तो ये लग रहा था इस तरह की विकेट थी जिस तरह की शारजा में जिसमें 200 हुआ है जी। उस तरह की पिचेस थी, ब्रेक बिल्कुल थी लेकिन मतलब ना होने के बराबर थी, T20 के लिए एक आइडियल पिच थी। तो अगर इसी तरह की अगर ये विकेट बनाएंगे तो मजा आएगा। अच्छा भोला, तुमने तो नहीं कोई डोज शोज भेजी थी कि पिच की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए, कुछ तुम्हारी तरफ से तो नहीं गया था? बोलेगी कौन सुनता है, आप सुनती हैं? नहीं मैं तो सुनती हूँ। अच्छा तुम दिल पे ही ले गए तो और क्या, आपने मुझे मायूस करके, मैं देखे मैं चंगा पला एक्टिव खड़ा था, आपकी बात के बाद मैं बैठ गया। खड़े हो सकते, तुम्हारी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, तुम खड़े होकर बात कर सकते हो, खिताब मत करना। नहीं वो दर्द होती है अच्छा उस दिन वाली चाची ने। हाँ अब बात करते हैं, आप पिच का पूछ रही हैं, मैं कौन सा क्रिकेटर हूँ और मुझे पान शान का पूछ रहे, और खिलाड़ियों का तो पता होता वो खेलते हैं। चूना चूना तो लगाते हो ना तुम, चूना चूना उस्ताद हो ना, पत्तियां नु नहीं लांदा जिन्ना मेनू लांदा है। पिच जो है ना मुझे लगता है शायद इसने चूना ही लगा दिया शायद। अच्छा मैं शायद भाई से, शायद भाई कल हुई है बारिश, वाह कहीं वो बारिश की वजह से पिच ठीक तो नहीं थी। हां दैट्स द पॉइंट, हम तो जब पिंड में खेलते थे कहते थे पानी लाओ भाई पानी लाओ, उन्हें मैच खेलना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पिच पानी बारिश का पिच को कोई असर नहीं, उसपे 3, 4 या 5 कवर्स डाले होते हैं तो पानी बारिश का तो पिच तक पहुंच सकता ही नहीं है। लेकिन शायद कल कुछ इन्होंने प्रिपेयर्ड पिच बनाई है, उस पे पहले की तरह रफ अच्छी पिच थी, मजा आया मैच में। पिच बेचारी तो खुद को सहरा सहराई महसूस करती होगी, पानी तो पहुंचता ही नहीं। अच्छा देखें यूएई में इतनी बारिशें नहीं होती, नहीं होती। लास्ट टाइम जब मैं अभी यूएई में था तो आप यकीन करें कि मौसम इतना खुश्क था और ये हालात थे के नमाज के लिए स्पेशली नमाज पढ़ी गई थी वहां पे। लेकिन आप देखें अल्लाह ताला गफूर रहीम है, फिर बारिशें हो रही हैं और जो कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी बारिशें वहां होगी लेकिन हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह फिर अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक चीज में इसमें आपको और बताता जाऊं कि हमारे जो क्राउड है बिल्कुल गायब है ग्राउंड में, हमें स्टेडियम में नजर नहीं आया। अच्छा लेकिन आप ठीक है, इसकी मैं एक वजह बताता हूँ। देखें शाहिद भाई ने एक पहले प्रोग्राम में भी बात की होगी कि इन लोगों को पहले प्लान करना चाहिए था कि अब देखें मोस्टली वहां पे यूएई में लोग कौन से हैं, ज्यादातर मजदूर तबका है, ठीक है। अच्छा अब मजदूर तबका है जो इन्होंने टिकट के रेट्स वगैरह रखे होंगे तो जो मजदूरी करने वाला बंदा है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इनको कम अज कम क्राउड को अपनी तरफ खींचने के लिए, क्राउड स्टेडियम में लाने के लिए इनको जो एंट्री है, मतलब आप कितने पैसे टिकटों से कमा लेंगे, तो इनको अगर एंट्री ये फ्री कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेडियम अगर पूरा दुबई का ना भरे तो कम से कम आधा जरूर भर जाएगा। ये चीज पीसीबी को जरूर सोचनी चाहिए। शाहनवाज की भाई की बात पे एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, मैंने सुना है ये जो अगर लाहौर में फाइनल होता है तो 12,000 की टिकट,
मुझे पता है मैं, क्योंकि वहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है अगर एक टिकट की आप बंदे की आप टिकट करेंगे 150 या 200 दिरहम, तो मेरा ख्याल है कि मजदूर बंदा तो मुश्किल है कि वहाँ पे अफोर्ड करे। ओके जी, मजदूर बंदा मुश्किल हो सकता है यहाँ पर भी टिकट्स को खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, ये तो बाद में बात करते हैं इस पर कि टिकट्स की क्या सूरत हाल रहेगी। अली स्पोर्ट्स फैसलाबाद की तरफ से जी हाँ, ज़बरदस्त बैट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं और वो शाहिद और शाहनवाज के साइन बैट होंगे, डेफिनेटली उसके साथ 7 न्यूज़ भी आपके लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर जो है वो ज़रूर आपको देगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी मैचेस होंगे अब आने वाले दिनों में, उनमें आपने हमें बताना है कि कौन सी टीम मैच जीतेगी और उस टीम का जो कि आप नाम लेंगे, और अगर वो जीत जाएगी मैच तो डेफिनेटली आप उस गिफ्ट का गिफ्ट के हकदार होंगे, लेकिन कुरानदाजी के जरिए। आशा जी मेरी एक जी, मुझे विकेट मंगवा देंगे अली स्पोर्ट्स फैसलाबाद। हाँ, ये हमारे मास्टर शॉट में दिखाइए प्लीज प्रोड्यूसर साहब। उस्ताद जी तुसी विकेट डेफिनेटली ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो बैट्स देख रहे हैं, और आपका भी अगर दिल चाह रहा है कि ये बैट आप भी यहाँ से लेके जाएं और साइन बैट हो, तो डेफिनेटली आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मेरी विकटों वाली बात हो रही है। बोलो बोलो बोलो। और जी ये जो आज ही विकटा ना मंगाओ ओहो ही विकटा ना चाची ने तानू फेंटी लानी जे। चाची इसकी जितनी भी बुरी है पर तू बदो है तो ना दे, रोटी तुझे कौन देगा? उस्ताद जी रोटी दें, रोटी दें भुखा मार दिता मैं 6 साल हो गए। किसी ने नोट ही नहीं किया बूंदी ने कपड़े बदल लिए। दाल भी बूंदी, काला तो नहीं है। बूंदी ने कढ़ाइया छिड़ाई को जाना से, इसलिए मैं क्या जरा आशा जी यही बात नहीं करवानी थी, अब आपने इसकी तरफ नहीं जाना। मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ, मैं PSL की तरफ हूँ। उन्होंने एक कंपनी को हायर किया जिसमें कि ये हमें सुनने को मिल रहा था कि कुछ इंडियंस भी काम करें, और अगर यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए उस कंपनी को हायर करते हैं तो कुछ खदशात हैं इंडियंस को लेके। देखिए सिक्योरिटी के लिए किसी कंपनी की ज़रूरत क्या है? आप हम हर प्रोग्राम में ये कह चुके हैं, जब आर्मी चीफ ने ये ऐलान किया कि सिक्योरिटी आर्मी देगी, पाक आर्मी देगी, तो पाक आर्मी से अच्छी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में आपको कहाँ से मिलेगी? और फिर आप जैसे कह रही हैं कि इसमें इंडियंस हैं, यानी वही चोर और वही साध, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सारे ये धमाके वगैरह और ये हालात ख़राब तो वही करवा रहे हैं, फिर क्या क्या गारंटी है इसकी कि वो जो सिक्योरिटी एजेंसी में इंडिया के लोग आएंगे, हो सकते हैं रॉक एजेंट्स हो, जैसा कि पहले भी होता रहा पाकिस्तान में। शायद भाई एक कंफ्यूजन है, वो सिक्योरिटी के नहीं है, वो ब्रॉडकास्टर है, वो जिन्होंने कैमरे शैमरे नहीं लगाने, वो इंडिया के यार, इंडिया का कोई भी बंदा है वो क्लियर नहीं है मेरी नजर में। पहले भी यहाँ पे ऐसी कई चीजें सामने आई है कि वो किसी और काम के लिए यहाँ पे आए लेकिन वो रॉक एजेंट से, तो फिर क्या पता कि वो कैमरे लेके आए लेकिन अंदर उनकी नीयत का किसी को क्या पता है, तो बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा किसी ऐसे बंदे को। देखिए एक ही मैच है, कोई पूरा टूर्नामेंट नहीं यहाँ होने जा रहा, एक मैच है, एक मैच में आप रिस्क नहीं ले सकते, किसी इंडियन का रिस्क नहीं ले सकते, आपने जो भी करना है उनके बगैर ही करना है, और अपनी आर्मी की सिक्योरिटी पे ही इत्माद करते हुए चलना है और किसी पे नहीं। जी अच्छा, अभी बताते चलें कि कौन से हमारे लकी विनर हैं अली स्पोर्ट्स फैसलाबाद की तरफ से जिन्हें बैट मिला है और 7 न्यूज़ की तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर। जी हाँ, उर्वा सुल्ताना है ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, और जीशान फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद के भी माशाल्लाह से लोग बड़े भरपूर तरीके से शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, नंबर आप नोट कर सकते हैं 0348430158, ये वो नंबर है जहाँ पर आप की कनेक्टिविटी हमारे साथ हो सकती है। जी अगर शाहनवाज कुछ नए टैलेंट पर बात करें जिसमें कि शादाब आ जाते हैं, हुसैन तलत आ जाते हैं, रुमान रईस आ जाते हैं और उसामा मीर आ जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस PSL की मदद से, इस PSL की वजह से
क्या ये जो टैलेंट हमारे सामने आया है इसका फ्यूचर आपको ब्राइट लग रहा है या इसको हम आने वाले दिनों में अपनी कॉमी टीम का हिस्सा बनते हुए देख सकेंगे? देखें, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त आपने ये क्वेश्चन किया कि शादाब खान कल का मैच भी हमने देखा, बड़ी जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की है, पिछले मैचों में भी वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता हुआ आया है, तो ये एक बड़ा जबरदस्त टैलेंट पीएसएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को मिला है। एक ये शादाब खान, और वो ऐसा प्लेयर है कि वो टेक्निकली भी अच्छा है, बैट्समैन भी पूरा है और बॉलर तो वो है ही अच्छा, दोनों ब्रेक करता है, लेग ब्रेक भी, गुगली भी और शार्प गुगली, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लें, तलत हुसैन बैट्समैन की शक्ल में सामने आया है, इस्लामाबाद की तरफ से खेल रहा है। देखिए पहले मैच जब उसने खेला 50 रन किए, कल अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हुआ है, लेकिन वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग है, मैं उसकी बैटिंग मैं देख चुका हूँ, तो ये एक बड़ी एक खुशाइन चीज है। फिर उसके बाद आप उसामा मीर की तरफ मैं जाता हूँ, उसामा मीर तो पहले भी खेल रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि उसामा मीर थोड़ा इन आउट के चक्कर में था, अगर इसको थोड़ा कंटिन्यू खिलाया जाता तो ये और पॉलिश हो जाता। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे रुमान रईस की भी, रुमान रईस इवन खेला है लास्ट टाइम भी जब ये पीएसएल खेला था, और इस साल भी ये इसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा एक टैलेंट, ऐसे नए चेहरे पाकिस्तान क्रिकेट को मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए कि इन पे मैक्सिमम जितना वर्क कर सके, अच्छे कोचेज इनके साथ लगा के, ताकि ये फॉर द फ्यूचर ये पाकिस्तान के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और एक क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, जो लंबा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लंबी क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेल सकते हैं, यूजफुल क्रिकेट जी, और आने वाले एडिशन में। लेकिन एक चीज इनको देखनी चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बात करूंगा, शायद भाई भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करें, कि जब पीएसएल का मतलब है आपको पीएसएल, आपने जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे लेके आना है, आपने उनको फॉरेनर प्लेयर्स के साथ खिलाना है, उनमें आपने कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो अच्छा ये होगा पीएसएल की जितनी भी मैनेजमेंट या टीम ऑनर्स हैं या टीम मैनेजमेंट हैं, उनको चाहिए कोशिश करें जो यंगस्टर्स में से अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लेके आए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा हो, मतलब इस तरह के प्लेयर्स ना लेके आए कि 38-40 साल के प्लेयर पुराने जो उठा के तो उनको आप खिला रहे हैं, तो ये अच्छा जी, शायद नया टैलेंट आने वाले दिनों में पाकिस्तानी टीम के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, और पीएसएल की वजह से, पीएसएल की बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हमें, जैसे कि मैंने शाहनवाज से भी जिक्र किया, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है? देखिए, जब इंडिया में आईपीएल शुरू हुई थी ना जी, तो उस वक्त बल्कि आईपीएल से पहले आईसीएल शुरू हुई थी, तो उसको फिर लेके आईपीएल का आइडिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने लिया और आईपीएल शुरू करवाई, तो आईपीएल शुरू होने से और जो उनके 4-5 इवेंट्स हो चुके हैं अगर देखे जाए, तो उनको इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिले हैं उस आईपीएल की वजह से, इतना नीचे ग्रास रूट लेवल से उन्होंने प्लेयर उठाए और यंग टैलेंट लेके आए। इसी तरह देखिए पीएसएल अभी ये दूसरा इवेंट है, दूसरे साल में हो रही है और आपको कितने अच्छे प्लेयर्स मिलना शुरू हो गए, जैसे कि अभी ये नाम बताए गए शादाब वगैरह, तो कहने का मकसद है कि प्लेयर्स आपको इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स करवाने से मिलेंगे ही, और इसको ये जारी रखना चाहिए, बल्कि इसको खत्म नहीं करना, आपने इस इवेंट को आपने पाकिस्तान में लेके आना है। देखिए जब पाकिस्तान में इवेंट आएगा ना, तो ये और ज्यादा देखा जाएगा और ज्यादा लोगों में इसको खेलने का शौक पैदा होगा, और इसके लिए लोग ज्यादा एफर्ट करेंगे, तो फिर जाहिर है जब इसके लिए एफर्ट करेंगे तो वो टैलेंट भी ऊपर आएगा और वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें एक बात मैं करूंगा, जो पीसीबी की आदत रही है शुरू से, जो मैंने देखी है कि ये नए लड़के लेके आते हैं, उन्हें 2-4 मैच खिलाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर नया लड़का ले आते हैं, 2-4 मैच छोड़ दिया, ये इस तरह इन्होंने इतने प्लेयर पाकिस्तान में ज़ाया किए हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अब इनको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो लड़के अभी आपको नया टैलेंट मिला है और इतना ये अच्छा टैलेंट है, यानी इससे पहले और भी है पाकिस्तान में लेकिन अभी तक वो ऊपर नहीं आ सका, लेकिन जो आ गया इसको अब संभालें, इसको लेके चलें, इनको अकेडमीज में रखें, इनको ट्रेन करें, इनकी जो कमियां हैं उनको दूर करें, इस टैलेंट को ये जाया ना करें, जो पीछे पीसीबी की रीत है वो काम ना करें, बल्कि इन प्लेयर्स को ये जरूर आगे लेके चले, ताकि पाकिस्तान के फ्यूचर में अच्छे प्लेयर्स रहें, क्योंकि टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लेयर्स कम क्यों होते जा रहे हैं? एक तो पाकिस्तान में ग्राउंड्स नहीं है, पीसीबी को थोड़ा ग्राउंड्स पे वर्क करना पड़ेगा कि थोड़े ज्यादा ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे। शायद भाई एक बात आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा नहीं है, जब तक ये जब तक डोमेस्टिक फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारा टैलेंट जाया हो जाता है, इस बात पे तो 10 साल से हम जोर लगा रहे हैं कि जिनकी वजह से कमा रहे हैं आप लोग उन पे पैसा लगाओ,
ये तो इतना शोर किया लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी तो, लेकिन इनको ग्राउंड्स पे भी थोड़ा करना पड़ेगा कि देखें जैसे मैं फैसलाबाद से खेल रहा हूँ तो फैसलाबाद इतना बड़ा क्रिकेट सेंटर है आपका, वहां पे सिर्फ दो ग्राउंड्स हैं, मेन दो ग्राउंड्स हैं, एक स्टेडियम है, वहां आम प्लेयर को जाने नहीं देते, वो लॉक रहता है हर वक्त। अच्छा, जो एक पीछे बचता है बोड़ावाला ग्राउंड, और बोड़ावाला ग्राउंड की हालत ये है कि वहां पे आप फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेल सकते। तो यानी इतने बड़े क्रिकेट सेंटर पे अगर एक ग्राउंड ही, मैं तो कहूंगा एक तो सिर्फ इवेंट्स के लिए रखा हुआ है, वहां तो प्लेयर्स नहीं जा सकते, और जो है उसकी भी हालत अच्छी नहीं है। तो इस तरह के जितने भी बड़े क्रिकेट सेंटर्स हैं उन पे 4 से 5 ग्राउंड्स तो हर हाल में इनको बनानी चाहिए। देखिए जितने ज्यादा ग्राउंड्स बनेंगे उतने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे खेलने की। तो पीसीबी को इस पे भी थोड़ा सा थिंक अबाउट करना चाहिए। ओके, अच्छा अभी बात हम कर रहे हैं कुछ नए टैलेंट के हवाले से, हमारे पास भी तो ये टैलेंट है ना शायद, ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है, ये तो टैलेंट, इस टैलेंट पे क्या कहेंगे, इतना मतलब वो ऐसी फनकारियत भरी हुई है इस टैलेंट में के क्या बात है माशाल्लाह। उस्ताद शागिर्द आपस में लड़ते रहते हैं टैलेंट देख के, टैलेंट के बाद इनका कॉन्फिडेंस चेक करें। उस्ताद साहब हर प्लेयर दी तारीफा कर दे हो, साडियां भी तारीफा कर दो, की हो चला कंजूस, एक मिनट, ये कह रहे हैं ना उस्ताद शागिर्द आपस में लड़ते रहते हैं, ये दोनों भी बड़े अच्छे हैं, एक दिन ना मोटरसाइकिल पे जा रहे पीछे पीछे मैं और बूंदी भी थे, आगे पुलिस वाले ने इनको इशारा किया तो उसे कह रहे हैं वो नहीं भाई असि पहले ही दो, भाई उसने आपको रुकने का इशारा किया, ये नहीं कहा कि मुझे भी साथ बिठाओ, बड़े सियाने इन्होंने 1000 का नोट लग गया। शाहनवाज भाई कहने की करिए, शाहद भाई कहते 50-50 कर लेने, शाहनवाज भाई कहते बाकी 900 का की करांगे, अब इससे ज्यादा हम क्या बताएंगे, 200 जी साहब ला लो इन्हें। अच्छा राइट नाउ हमारे पास ब्रेक है, जी हाँ अभी हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, बाद में जी हाँ बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि इस्लामाबाद ने की हैं आइंदा आने वाले दिनों में। अब जी हाँ प्ले ऑफ 2 होगा, उसमें कराची का सामना इस्लामाबाद के साथ ही होगा, तो वो कौन सी गलतियां हैं जिनको कि ओवरकम करने की जरूरत है। सो स्टे विद अस।